तुम लोग कुछ खाओ, इन लोग का आते हैं, आप बताओ कहाँ तक पाए नॉन इनर्जियल देखे नॉन इनर्जियल तो अब हम जब देखिए इधर आगे आ जाओ तो सके लोग कुछ खा के आ जाओ पानी लेना ऊपर से ले लेना पानी जिस समय आ जाओ कोई दिक्कत नहीं चल सब में बराबर आना हो आ जाओ हमको कोई दिक्कत नहीं चल बराबर रहा नहीं तुम चाहे किधर आओ चलो देखो अब हम आज जो इनर्जियल नॉन इनर्जियल में देखे नॉन इनर्जियल कहाँ घर चल रहा हूँ बस चल रहा हाँ वो हो गया पूरा नहीं हुआ ना तो तुम लोग नोट कर लो ना कहाँ तक हो गया ये फोर्स तक बता दिया था ये कहाँ तक का नोट तुमने कहाँ से नोट किया यही पढ़ाया हमने तो ठीक है चलिए देखिए तुम लोग बोला मार लेते हो ना तो उससे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है उस दिन कोई बच्चा नहीं था जो बताए तुमको कहाँ और जो ये लोग जहाँ तक नहीं आए थे उससे चलिए देखिए गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन चाहे जहाँ पहुंचा उस वैसे पहुंचे पढ़ो जब रेगुलरली गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन में दो इनर्शियल फ्रेम लिए गए लिखा है चलो ठीक है दो इनर्शियल फ्रेम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ध्यान से पढ़ो तो हमें पूरा करते हैं बराबर करते एक फ्रेम एस है एक फ्रेम एस एस ये कांस्टेंट वेलोसिटी बी से तो दोनों फ्रेम इनर्शियल और एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होता है तो देखिए बाई द गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर एक फ्रेम से दूसरे बाई द गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म बाई द गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं निकालते हैं एक फ्रेम से इसमें दोनों इनर्शियल बोथ एस एंड एस डैश आर
इनर्सियल्स दोनों एस और एस के होंगे, ऊपर जाते जब पानी का होता है बोथ एस एंड एस एस आर इनर्सियल्स। एस जो है ठीक है रेस्ट में, एस डैश कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से अलोंग एक्स एक्सिस में, एस इनर्शियल है, एस डैश कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से अलोंग एक्स एक्सिस में। अब देखिए तीसरा पॉइंट, एक पार्टिकल लिया इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, फ्रेमल्स प्रभाव काफी कुछ लेकर कहाँ चले गए अच्छा तो तुम्हें काफी मदद करने के लिए कोई बात नहीं, ये तो अच्छा काम है, इसी से तुम पास हो जाते मेन तो यही होता है जो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी इन फ्रेम एक ही बोतल आजकल लोगों की मानसिकता बहुत खराब हो गई, लोग अपने सगे रिश्तेदार को भी पता चला मदद नहीं करना था। और फिर जब ऐसा तो गवर्नमेंट में रहते ही पैसे के, फिर जब एक समय ऐसा आता है जब उनको चार कंधे नहीं, एक आईएएस अधिकारी जुड़ाई पिछले साल बेटा की बात है छत से कूद के आत्महत्या कर लिया, हस्बैंड की डेथ हो गई, भाई हस्बैंड का आईएएस थे ठीक है, तो वो किसी से मतलब नहीं रखे, अपना सीक्रेसी मिलते अपने को बहुत ज़्यादा, ये तो पहले अपने बहुत ज़्यादा लोग समझने लगे किसी को से मतलब नहीं रखे। तो जब डेथ हुई एक हस्बैंड के साथ मतलब मिट्टी में एक आदमी बैठने वाला था, एक पर्सन लेकर उसके साथ उसी में वो सच्चे कि मेरे साथ कोई है ऐसे ही एक दुबे जी हैं अजीत मल में प्रिंसिपल रहे, उन्होंने कभी किसी बच्चे का भला किया ही नहीं, सिर्फ रिश्तेदारों और उनके अलावा, मतलब उनकी इतनी ज़्यादा संकीर्ण मानसिकता है। अब जानते हो क्या हुआ, जब रिटायर हुए तो उनके बच्चों ने उन्हें रखा ही नहीं, बेचारे वृद्धा आश्रम में रह रहे प्रिंसिपल रह गए, बड़ा घर बनवा दिया क्या करोड़ों ऐसा वो एस रेस्ट में है, एस डैश कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस ठीक है। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम याद कर रूप तो करना नहीं है, कोऑर्डिनेट्स पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल की इन फ्रेम एस विद रिस्पेक्ट टू एस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल की इन फ्रेम एस विद रिस्पेक्ट टू एस, एक्स डैश की वैल्यू एक्स माइनस बी जेड डैश की वैल्यू, ये फ्रेम एस इनवर्स रिलेशन याद करना पड़ेगा, बिल्कुल इजी है
पे ही तो बनता है एक्स डैश बराबर एक्स वाई पर डैश बराबर वाई जेड डैश बराबर जेड। अब इसी तरीके से इनवर्स रिलेशन एक्स डैश बराबर एक्स डैश था ना ये तो एक्स बराबर एक्स डैश y बराबर y एक्सेलरेशन सेम। अब इसी से आप अगर जनरल कर दोगे तो एक्सेलरेशन सेम ए बराबर ए डैश ए बराबर ए डैश एम ए बराबर न्यूटन्स
खुला आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी इनवेरियंट होता है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आर ऑल्सो इनवेरियंट. ये भी इनवेरियंट जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, वो भी आर फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल ऑल फंडामेंटल लॉज आर इनवेरिएंट. ये भी इनवेरिएंट अंदर गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन किसमें गैलेरियन सब इनवेरिएंट होते सब नहीं बने मतलब नहीं दोनों प्रीवियस दोनों प्रीवियस ऑल फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल्स आर इनवेरिएंट जितने भी फंडामेंटल लॉज हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो सब इनवेरिएंट. अब देखिए ये फेल क्यों हो उसके फेल होने के कारण था जनरलाइज इक्वेशन. जनरलाइज इक्वेशन जो जनरलाइज जनरलाइज इक्वेशन ये इनवेरिएंट नहीं ये वेरिएंट कर जाता है ये बदल जाता है वेरिएंट ये वेरिएंट सो दैट गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन इज फेल्ड इसलिए गैलेरियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल. ये जनरलाइज्ड इक्वेशन से फेल हुआ जनरलाइज्ड इक्वेशन से ये फेल. अब आइए बच्चों जल्दी से वेलोसिटी वेरिएंट है. वेलोसिटी कहां बदल रही है u बराबर u एस वेलोसिटी वेरिएबल एक्सेलरेशन दोनों फ्रेम में वेलोसिटी आपकी बदलती है एक्सेलरेशन से. ठीक है अब आइए जब ये फेल हो गया तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन एक आगे क्वेश्चन की वजह से आपके सिलेबस में सिर्फ इनर्शिया नॉन इनर्शिया गैलेरियन भी कई बार पूछ लिया जाता है थोड़ा बहुत आपका लॉरेंज में तो भी हुआ. तो ये वो क्वेश्चन है जो 90 के बाद या 80 तक पहुंचने के बाद आप नहीं कर पाए. तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल सिलेबस में एक सिंपल ऑब्जेक्टिव है अर्थ क्या है नॉन
क्योंकि रोटेटिंग बॉडी जो भी है वो लोग, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये वाले अभी कुमार वाले पर कब लीजिए जिससे तुम्हें पढ़ना होगा, लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के फेल होने के बाद लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई इन फ्रेम एस वाई डैश एक्स डैश पार्टिकल कॉर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर O डैश की वैल्यू अप्रूव तो करना नहीं है, सिर्फ समझिए कि इसमें दोनों इनर्सियल होंगी, ये रेस्ट में ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी डी सी में चल रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आपके लिए x बराबर k एक्स डैस प्लस या एक्स डैस बराबर की एक्स माइनस बीट के प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के यू हो सकता है, क्या वैल्यू होती है वन अपॉइंट, एक्स डैश की वैल्यू याद करिएगा के एक्स माइनस डीटी है, तो एक्स माइनस डीटी और के y डैश की वैल्यू और t डैश की वैल्यू dx अंडर रूट वन माइनस, ये कोशिश करना दो चार बार पढ़ लो। y z पे मोशन तो ये नीचे आता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर, वी वेलोसिटी है इस फ्रेम की, सी स्पीड ऑफ लाइट, सी स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसी का इनवर्स ये फ्रेम एस में एस डैश और ये फ्रेम एस, अब इनवर्स सॉल्यूशन एक्स डैश बराबर एक्स बराबर एक्स डैश ठीक है, ये आता है y बराबर मोशन के लिए वाई बराबर और t बराबर t डैश प्लस dx डैश, रिलेटेड है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन
लेंथ कॉन्ट्रैक्ट एल बराबर एल नॉट बीस बार चौबीस ये एल लेंथ है फ्रेम एस एल लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम एस ये अपेरेंट लेंथ या इम्प्रॉपर लेंथ एल लेंथ ऑफ रॉड इन फ्रेम एस एस ये इम्प्रॉपर या हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्टेड है एलॉन प्रॉपर लेंथ एलॉन प्रॉपर वी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ अब देखिए टाइम डायमेंशन टी बराबर टी नॉट अंडर रूट वन माइनस टी इम्प्रॉपर टाइम टी टाइम इंटरवल इन फ्रेम एस ये इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर टी नॉट प्रॉपर प्रॉपर टाइम टी नॉट प्रॉपर वी वेलोसिटी ऑफ ठीक है ये फ्रेम एस में है तो ये इम्प्रॉपर यही डायलेटेड टाइम ज्यादा होगा डायरेक्ट ठीक है ये अब इसी तरह ये सब रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए है जो प्रकाश के वेग के आसपास अब इसी तरीके का एक और रिलेशन मास पहले वेलोसिटी का बताते हाँ बोलो उनके जमाने में ये मतलब इसमें तो नहीं थे उन्होंने सब थ्योरी कहते थे पूरी बात है 1934 में उन्होंने पूरी थ्योरी आई थी एक मतलब उन्होंने जो एजम्पशन किया ऐसा वो वाटर उस आधार पर नहीं आया ईथर को स्पेस उन्होंने इमेजिनरी स्पेस में ईथर का कांसेप्ट वो फेल हो गया जो होता है
अब देखिए वेलोसिटी का इसमें रिलेशन वेलोसिटी u डैश बराबर है 1 माइनस up upon c या u बराबर u डैश प्लस 1 प्लस ये वेलोसिटी का वहां आता था u डैश बराबर u माइनस या u बराबर पिछले वाले यहां पे आ रहा u डैश प्लस नीचे अब फोटॉन के लिए फॉर फोटॉन इसी में रखो u की वैल्यू c के बराबर या u डैश की वैल्यू रखो में तो सेम है करके देखो फोटॉन की वेलोसिटी से कोई भी रखो u डैश बराबर c माइनस फोटॉन की वेलोसिटी दोनों फोटॉन वेलोसिटी ऑफ फोटॉन विल बी सेम इन बोथ फ्रेम फोटॉन की वेलोसिटी सेम होगी वेलोसिटी ऑफ फोटॉन विल बी लाइट की वेलोसिटी के आसपास है मतलब तुलना तो हमेशा सेम के बीच में की जाती है
अब जैसे एक एग्जांपल है कुश्ती कराई जाए, अब कुश्ती पता चला एक आदमी है, एक कोई आप है भूपेंद्र है, भूपेंद्र का कुश्ती कराई जाएगी तो भूपेंद्र की कुश्ती अगर ये 50 किलो के आसपास है तो 50 के आसपास अगर बिल्कुल एक्यूरेट भी मिला है, मान लीजिए 54 है 55 है तो 50 से 55 के बीच वाले, अब तुम हो 50 के आसपास और करा दिया गया है जिसका वेट है 95 किलो, तो वो वेट ज़्यादा है तो उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा है, आप उससे नहीं कंपेयर करते, तो वहाँ पे कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो हमेशा सेम के तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के आसपास जाती है, ठीक है, तो उनके रेस्ट मास है, रेस्ट मास की E नॉट बराबर एम नॉट सी, ठीक है, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आ चुका के बराबर एम माइनस एम नॉट सी, एक और निकालिए के बराबर हाफ एम नॉट बी, ठीक है, ये सभी रिलेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन इस जनरलाइज्ड फॉर्म को सेटिस्फाई करता है, हर वो हाँ आपको काफी अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है दोनों लोगों को, हाँ कल हमने गए थे ना आप तो पढ़े तो रात में गए तो वो कह रहे थे आप तुमने कहा इसीलिए हम करवा रहे हैं, वो तो उन्होंने भी करा फोन को, मतलब मैनेजर साहब ने भी फोन, अभी हम फिर अभी हम बाहर निकल के फोन करते हैं, हाँ हाँ उनका भी फोन, पर उन्होंने आपका दूसरे नंबर पे भेजेंगे अप्रूवल भेजेंगे, टाइम लगता हाँ करा ले, हमने ये कहा कि नए सत्र से पहले अभी तो इस सत्र में तो नहीं ज्वाइन हो पाएगा, नए सत्र में आप नहीं ज्वाइन हो जाओ बच्चे अगर वहाँ तो बच्चे तो ज़्यादा आ जाते हैं, नए सत्र में ज्वाइन करवा, हाँ अप्रूवल देखिए आपका क्या है, आगे की बात कोई नहीं करते, हाँ नॉन इनर्शियल तक तो तुम्हारे उसमें, ठीक है, अब तुमको न्यूटन्स ला अगले टर्म पर पढ़ो।